सेंटाक्लॉस के साथ कैसा लग रहा हूँ मैं? हेलो गुड इवनिंग गाइस, आई एम किशोर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीकेडी ब्लॉग्स। सो गाइस, कैसे हो आप सब? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं अभी हूँ राउरकेला में, कल ही आ गया था गांव से राउरकेला, और मैं आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। सो गाइस, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। मैं आपको आज लेके जाने वाला हूँ अपना स्कूल, जो कि मैंने बचपन में पढ़ाई की थी, और आपको दिखाने वाला हूँ क्या क्या, कौन सा स्कूल है, क्या है। सो गाइस, बने रहिए वीडियो पे कंटिन्यू। सो आपको लेके चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे मैंने बचपन में स्कूलिंग की थी। सो गाइस, चलिए चलते हैं। ये कौन सा जगह है आपको पता होगा, हमीरपुर चर्च। मेरा चाइल्डहुड वाला स्कूल इधर ही है उस तरफ, और ये है चर्च। ये एक चर्च है और वो एक चर्च है, और इधर ये है माता मरियम का गोरोटो, और ये है खूबसूरत सा चरनी। इतना बढ़िया दिख रहा है गाइस, देख सकते हो, मस्त पूरा बनाए हैं यहाँ पे चरनी। ये है हमारे यीशु, नन्हे मुन्ने यीशु, इतना मस्त सजाए हुए हैं। और वो रहा एक तो चर्च, और ये वाला एक चर्च है, ये माता मरियम। एक्चुअली हम इधर आए थे मोमबत्ती खरीदने के लिए, घर का मोमबत्ती ख़त्म हो चुका है वो गांव का, तो आज राउरकेला आए थे। बस घर आए थे तो पापा बोल रहे थे मोमबत्ती लेके आना, तो ये एक चर्च है, ये पुराना वाला चर्च है, देख सकते हो इतना बढ़िया से हमारे ये है बड़े यीशु, और वो उधर है छोटे यीशु चरनी में। तो इस तरह का कुछ मेरी क्रिसमस यहाँ पे लिखा गया है। और इधर कॉन्वेंट सभी लड़की लोग रहते हैं, हॉस्टल तो बहुत सारे हैं, और इधर फादर लोग रहते हैं, ये वाला फादर लोग। और वो रहा अपना चाइल्डहुड वाला स्कूल, हमीरपुर हाई स्कूल पढ़ा करता था, स्कूल आया करता था वहाँ पे। और हमारे यहाँ दो सेंटा क्लॉस जी यहाँ पे हमारे स्वागत करने के लिए खड़े हैं। हेलो सेंटा क्लॉस, वेलकम। सेंटा क्लॉस के साथ कैसे लग रहा हूँ मैं? कुछ गिफ्ट है कि नहीं मेरे लिए? नहीं है, आपके लिए गिफ्ट नहीं है। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे जगह, और इधर ये मैदान है, हम यहाँ खेला करते थे इस फील्ड में। और यहाँ पे जो मिसा होता है ना, गिरजा चर्च मिसा, इतना भयानक भीड़ होता है ना, पूरा चारों तरफ जितना जगह है ना पूरा भर जाता है फील्ड में। और ये पार्किंग एरिया रहता है गाड़ी वगैरह पार्क करने के लिए, पार्क सब। और इधर से एंट्री होता है, एंट्री गेट इधर से है और उधर से भी। और ये पारिस हॉल है पुराना वाला, यहाँ पे हम लोग जब हमीरपुर में पढ़ते थे तब यहाँ पे हम आया करते थे, कुछ प्रोग्राम डांस वगैरह कुछ प्रोग्राम होता था तो यहाँ पे होता था। तो इस तरह का, और यहाँ पे खेलते थे हम लोग का जब गेम का पीरियड रहता था हम लोग का यहाँ पे, तो खेलते थे यहाँ पे फुटबॉल, और उधर ड्रिल वगैरह करते थे। सैटरडे को जो ड्रिल होता है ना, ड्रिल करते थे। आज हम आपको आज दिखा ही देते हैं अपना स्कूल। तो इस तरह का कुछ है, और ये रहा नया सेट, आपको जो बोले थे दिखाएंगे, नया सेट है, बर्थडे गिफ्ट में मिला था। कैसा लग रहा है बताना, कैसा दिख रहा हूँ? बाल तो कैसा है पता नहीं, फिर भी जैसा भी है आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं बताना कमेंट करके। और इधर हमीरपुर हाई स्कूल का हॉस्टल है ये वाला, और ये रहा अपना
हमीरपुर हाई स्कूल, देख सकते हो हमीरपुर हाई स्कूल। यहाँ पढ़े थे हम 7th क्लास से 10th क्लास तक। और यहाँ यू प्राइमरी स्कूल है, इधर यूपी स्कूल। छोटे बच्चे लोग आते हैं ना यूपी स्कूल। हम यहाँ पढ़े थे, ये वाला घर है ना, इसका उधर पीछे तरफ है यूपी स्कूल। वो जो ब्लू कलर का शर्ट पहनते हैं, नहीं स्काई कलर का शर्ट और नीचे ब्लू कलर का पैंट पहनते हैं जो बच्चे लोग, वो वाला पैंट पहनते थे और आते थे यहाँ पे। और उधर हॉस्टल भी है, और ये एक नया हॉस्टल बना है, बहुत पहले ही बना है। मतलब हम लोग थे उस टाइम नहीं था, हम लोग निकले स्कूल से उसके बाद ये बना है। इतना बढ़िया है, देख सकते हैं अपना हमीरपुर हाई स्कूल। और इधर बास्केटबॉल भी खेला करते थे। बहुत बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे, और यहाँ पे परेड वगैरह होता था 15 अगस्त और जनवरी 26 तो परेड वगैरह होता है। और कितना बढ़िया शानदार नज़ारा है, देख सकते हो। और ये अपना स्कूल, और ये मेन गेट था, इधर से घुसते थे स्कूल। और उधर से जो उधर सर लोग का उधर का एंट्री गेट है, उधर स्टाफ वालों। और इधर देख सकते हो कितना बढ़िया फूल वगैरह लगाया गया, मस्त दिख रहा है पूरा, कितना सुंदर दिख रहा है फूल। और इधर तो टॉयलेट वगैरह है, और ये एक गेट है ये, लेकिन ये वाला गेट खुलता नहीं है। चलते हैं अभी वापस घर, आज ही मेरे को जाना है वापस गांव, तो मैं कल ही आया था रौरकेला, तो अभी चलते हैं। मैं बहुत पहले ही आऊंगा सोचा था, बट टाइम नहीं मिल रहा था। फाइनली मोमबत्ती खरीदने आया था इधर, तो पापा बोले मोमबत्ती ख़त्म हो रहा है लेके आना, बोले तो इधर आ गया तो मौका भी मिल गया इधर स्कूल देखने का, तो ताज़ा हो गया, यादें ताज़ा हो गए पूरा। और ये वाला घर जो है पुराना हो गया है, यहाँ अपना वो जो पीटी मास्टर रहते थे, अभी भी रहते होंगे पता नहीं, बट पीटी मास्टर का रूम ऑफिस है ये। तो बस इतना ही है और तो कुछ है नहीं, अभी थोड़ा बहुत साफ सफाई दिख रहा है। और इधर हम आपको सामने जाके दिखाते हैं कैसा नजारा है। और यहाँ पे वो जो बुधवार को देते हैं ना खाना बच्चों लोग को, यहाँ पे दिया करते थे। और यहाँ पे एक गेट था, यहाँ पे बंद हो गया है। तो वो रहा यूपी स्कूल, दिख रहा है ये है हॉस्टल स्कूल का। और वो आप देख सकते हैं ये वाला यूपी स्कूल है, यहाँ हम आया करते थे। उसके बाद हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो गाइस, कल बात ऐसा है कि वीडियो शूट करते करते एंडिंग करते करते मोबाइल का स्टोरेज हो गया फुल और बंद हो गया मोबाइल। सो गाइस, कल का ब्लॉग एंड करने ही वाला था कि स्टोरेज फुल हो गया और अपने आप स्टॉप हो गया, वीडियो बंद हो गया। डायरेक्ट घर आया, उसके बाद स्टोरेज खाली किया, उसके बाद अभी सुबह हो रहा है। सो गाइस, अभी हम उठ गए हैं, 4 बज रहे हैं और अभी हम तुरंत ही उठे हैं और अभी फ्रेश होंगे, देन
हम निकलेंगे गांव के लिए। सुबह फटाफट से फ्रेश होते हैं, उसके बाद निकलते हैं। चलिए तो गाइस, हम ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं और अभी हम निकलेंगे। सो चलिए, अभी टाइम हो रहा है 4:30, और लेट हो रहा है, जल्दी पहुंच रहे हैं गाँव। सो चलते हैं। सो गाइस, हम निकल पड़े हैं अपने गांव की ओर, और देख सकते हो रास्ता पूरा सुनसान ही है, लोग तो इतना नहीं है, बहुत कम ही लोग हैं। और कल रात को इतना भयानक खतरनाक वाला बिजली मार रहा था ना, बिजली कड़क रही थी पूरा, क्या भाई ठंड के मौसम में बारिश आ गया कल बहुत जोर रात को, और अभी जाके रुका है। देख सकते हो ये स्ट्रीट रोड। सो गाइस, फटाफट से चलते हैं और बस स्टैंड में वेट करते हैं बस का। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं ये बसंती बस स्टैंड, और मेरे पीछे तरफ है आरटीओ ऑफिस रौरकेला का, इधर आरटीओ ऑफिस ये वाला, और ये सामने देख सकते हैं वेस्पा अप्रिलिया का शोरूम। और क्या दिखाएंगे आपको, बाकी सब तो आप रौरकेला के हो तो आपको पता ही होगा। और उधर है उदित नगर, इस पीछे तरफ देख सकते हो आप, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कैमरे में, बट हमको तो दिख रहा है। बस आ रहा है राधे श्याम बस से, अंधेरा अंधेरा में ही चला जाता है, तो हम इसी बस में जाएंगे, तो उसको आने देते हैं, उसके बाद चढ़ते हैं बस में। वो दिख रहा होगा लाइट आपको बस का, तो हम जाएंगे यहाँ पे बस में। ये रहा बस राधे श्याम। कुतरा सो गाइस, हम बस में चढ़ चुके हैं और अभी वेट करते हैं पहुंचने का। अरे भाई, मेरे बैग में रोटी है, कचुम्बर बन जाएगा उसका। सो गाइस, सब तो मिलते हैं कुतरा में, यहाँ पे तो मजा नहीं, हवा नहीं है। कुतरा पहुंच के बात करते हैं आपसे। हम पहुंच चुके हैं कुतरा, और अभी हम जाएंगे चल चल के। अगर कोई बाइक वाला मिल गया तो लिफ्ट ले लेंगे उनसे। तरह का कुछ है यहाँ का सीन। हम पीछे उतर गए थे, एक चाय पी ली, उसके बाद जा रहे हैं अभी चलते हैं घर और वहाँ पे बात करते हैं। मौसम तो पूरा ठंडा लग रहा है थोड़ा, क्योंकि बारिश हुआ था कल, आज सुबह रुका है बारिश। तो गाइस, एक अंकल जा रहे थे, उनसे मैं लिफ्ट ले लिया फटाफट से, और ये अपना कच्चा रास्ता पहले भी दिखा चुका हूँ, पहुँच गया हूँ। और वो तो उधर आगे तरफ जा रहे थे, तो मैं थोड़ा आवाज़ दिया तो रुक गए, तो बैठ गया मैं। तो अभी ये कच्चा रास्ता चल चल के जा रहा हूँ। इस हम घर पहुँचने ही वाले हैं, और थोड़ा दूर है 10 कदम। और सो गाइस, वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, रोज तो घर में ही वीडियो को एंड करते हैं, तो मैंने सोचा वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। और इधर देख सकते हो खेत वगैरह है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना मेरा स्कूल कैसा था, बचपन का स्कूल, यूपी स्कूल और हाई स्कूल। अगर चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके जाना गाइस। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।